अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड एट योर होम्स। आज मैं हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैंने मुनासिब समझा कि अगर हम हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, आपको हिस्ट्री के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है एंड Why do we study history? अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम क्यों पढ़ते हैं, इसका मकसद क्या है, इससे हमें क्या फायदा मिलता है अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में क्या टाइम पीरियड हैं। आपका ज्यादा टाइम जाया करने के बगैर एक चीज आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं। पहले ही जैसे कि आप सबको पता होगा, हिस्ट्री हम कहते हैं स्टडी ऑफ पास्ट। इन सिंपल अगर हम कहेंगे पास्ट के बारे में, माजी के बारे में पढ़ने को, जानने को हम हिस्ट्री कहते हैं। अब जो ये हिस्ट्री है, ये ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, हिस्टोरिया से। ये हिस्ट्री ग्रीक वर्ड से निकला है, हिस्टोरिया से। ये देख सकते हैं आप, हिस्टोरिया इसका मतलब है, इसकी मीनिंग है रिसर्च, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। इसकी मीनिंग है रिसर्च करना, इंक्वायरी करना, जांचना, इन्वेस्टिगेशन करना, पता करना, मालूम करना पास्ट के बारे में, उसे हम हिस्ट्री कहेंगे। या अगर सिंपल में कहेंगे, पास्ट के बारे में पढ़ने को, स्टडी करने को, लर्निंग करने को हम हिस्ट्री कहेंगे। अब जो हीरोडोटस, हीरोडोटस दुनिया के पहले रियल हिस्टोरियन थे, पहले हिस्टोरियन, रियल हिस्टोरियन है, और इनको ही फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। हीरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। और जो लियोपोल्ड वन रैंकी हैं, इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है, जैसे कि हमने पढ़ लिया हिस्ट्री क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम क्यों पढ़ते हैं, इससे हमें क्या फायदा मिल सकता है। पहले हमने पॉइंट लिखा हुआ है, टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट वी नीड टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड पास्ट। प्रेजेंट को, हाल जो हमारा प्रेजेंट है, इसको समझने के लिए हमें पास्ट समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हम पास्ट को नहीं समझेंगे तो हम प्रेजेंट को भी समझ नहीं सकते हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा, जो पास्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, वहाँ के लोग कैसे थे, वो कैसे रहते थे, वो कैसे अपनी जिंदगी गुजारते थे और उन्होंने कैसी कैसी गलतियां की, मिस्टेक्स। जब हम उनकी मिस्टेक्स के बारे में, उनकी गलतियों के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने क्या गलतियां की जिनकी वजह से उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जब हम वो सब पढ़ेंगे, वो हम प्रेजेंट में नहीं दोहराएंगे, फ्यूचर में नहीं दोहराएंगे, ताकि हम वो ना करें जो गलतियां उन्होंने की, वो हम ना दोहराएं। इसलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, और एक तो हम मिस्टेक्स के बारे में पढ़ते हैं, और हम पढ़ते हैं उन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए, वो भी हम पढ़ते हैं, ताकि उनको हम अपने प्रेजेंट में इम्प्लीमेंट कर सके, उनसे हमें फायदा मिल सके। अगर हम मिस्टेक्स के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने क्या क्या गलतियां की, तो हम वो गलतियां नहीं करेंगे, जब वो हम गलतियां नहीं करेंगे, हमें नुकसान नहीं होगा। ऐसे हम उन्होंने अच्छे अच्छे क्या काम किए जिनसे उन्हें बहुत फायदा मिला, वो हम प्रेजेंट में इम्प्लीमेंट कर सके, इसलिए हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। एक मुहावरा है, जैसे वन हु नोज द पास्ट कंट्रोल्स द फ्यूचर, एक मुहावरा हिस्ट्री का, जो पास्ट के बारे में जानता है वो फ्यूचर को कंट्रोल कर सकता है। आपको समझा दूं, जैसे कि आपको पता होगा, इंडिया में बहुत अरसे तक, ऑलमोस्ट 150 ईयर्स तक ब्रिटिशर्स की हुकूमत रही, जो कि अगर हम पढ़ेंगे उसके बारे में, उन्होंने कैसे किया, उन्होंने कैसे हम पे हुकूमत की, इंडिया पे हुकूमत की, इंडिया से क्या क्या गलती हुई जिनकी वजह से ब्रिटिशर्स ने हुकूमत की हम पे, हम आगे वो गलतियां नहीं दोहराएंगे, उसका मतलब हम फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम गलतियां नहीं करेंगे तो हम पे कोई कंट्रोल नहीं करेगा, वो हम गलतियां नहीं दोहराएंगे तो हम पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, हमें
उसका मुआवजा भुगतना नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट पास्ट सेटलमेंट्स। ये भी पास्ट सेटलमेंट्स के बारे में बताता है, जो पुराने लोग थे, हमारे एंसेस्टर्स मान लो, वो कैसे रहते थे, उनके घर कैसे थे, उनका आर्किटेक्चर कैसा था, उसके बारे में भी हमें हिस्ट्री बताता है। एंड इकोनॉमिक इकोनॉमी के बारे में बताता है, जो वहां तब इकोनॉमी कैसे थी, तब के कॉइन्स कैसे थे, पैसे कैसे थे, उसके बारे में भी हमें हिस्ट्री से ही पता चलता है। पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ समझा दो, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे थी, वो कैसे हुकूमत करते थे, किंग्स कैसे थे, क्रूअल थे, अच्छे थे, उनका क्या तरीका था एडमिनिस्ट्रेशन करने का, हुकूमत करने का, वो भी हमें हिस्ट्री से पता चलता है। उसके बाद आता है सोशल लाइफ। सोशल लाइफ मीन्स जो उस टाइम के लोग थे, उनकी सोशल लाइफ कैसे थी। जैसे कि अगर घर था, एक घर था, घर में बीवी की ज्यादा चलती थी या हस्बैंड की ज्यादा चलती थी, डोमिनेंट कौन था, वो कैसे अपना रहन सहन करते थे, उसके बारे में हमें हिस्ट्री से ही पता चलता है। उसके बाद है, इट टेल्स अस अबाउट क्लोथ्स, फूड और द पीपल, देयर बिलीफ्स, फेथ एंड द देयर वर्क। वो कैसे कपड़े पहनते थे, उनका कल्चर कैसा था, ये भी हमें हिस्ट्री से पता चलता है। दियर बिलीफ्स, तब के जो पुराने लोग पास्ट में थे, वो किस पे यकीन करते थे, वो किसको गॉड मानते थे, उसके बारे में हमें पता चलता है। फेथ, वो क्या यकीन रखते थे। एंड दियर वर्क, वो क्या काम करते थे, एग्रीकल्चर करते, फार्मिंग करते थे, क्या काम, बहुत सारे काम होते हैं, वो क्या काम करते थे, उसके बारे में हमें हिस्ट्री में से ही पता चलता है। इसलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ताकि हमें ये सब पता चले, पास्ट के बारे में पता चले, वो लोग कैसे थे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, इकोनॉमी कैसे थे, वो एक्सचेंज कैसे करते थे, बार्टर सिस्टम था या पैसे थे, ये उनका फूड कैसा था, कल्चर कैसा था, रहन सहन कैसा था, कपड़े लगाने का तरीका कैसा था, कपड़े कैसे थे उस टाइम के। इट टेल्स अस पीपल ग्रेजुअली मेड इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। जो इन्वेंशन हुई, डिस्कवरीज हुई, उनके बारे में भी हमें पता चलता है। हिस्ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड और प्रेजेंट एंड शेप और फ्यूचर। हिस्ट्री से हमें पता चलेगा प्रेजेंट के बारे में हम क्या है, जब हम पास्ट के बारे में पढ़ेंगे हमें पता चलेगा पास्ट में क्या थे हम, और आज हम कहां पे हैं, उससे हमें अपना फ्यूचर जो है शेप कर सकते हैं, संवार सकते हैं। इसलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हर किसी चीज का मकसद होता है। अगर हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हम क्यों पढ़ते हैं, जैसे अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम क्यों पढ़ते हैं, जो एंशिएंट पास्ट में उन लोगों ने गलतियां की, ताकि हम उनको दोहराएं नहीं और उनसे कुछ सीख ले। इसलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, उससे कोई फायदा मिले। और हम जो पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, जब तक हम वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे रियल लाइफ में, तब तक भी मुझे नहीं लगता है कि हिस्ट्री पढ़ने का कोई फायदा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं साइड में हट जाता हूं, आप ले लें इसका स्क्रीनशॉट। अब जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम पीरियड्स इन हिस्ट्री, हिस्ट्री के टाइम पीरियड्स। जैसे कि तीन टाइम पीरियड्स है, एक तो है प्री हिस्ट्री, दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री और थर्ड वन इज हिस्ट्री। अब हम इन डिटेल एक एक करके इनको पढ़ते हैं। पहला वाला जो है वो है, जैसे कि आप देख सकते हो, प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री किसे हम कहते हैं, जैसे कि डेफिनेशन पे भी आप नजर आ रही है, द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स। उस पीरियड को कहते हैं, उस टाइम को कहते हैं, जिस वक्त हमारे पास, जिस वक्त कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं था, क्योंकि जो पुराने लोग थे, उस टाइम के लोग थे, ये भी हो सकता है कि पढ़े लिखे ना हो, लिखना नहीं आता हो, इसलिए जो रिटन रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं थे। अब आप पूछोगे, अगर रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे तो हमें कैसे पता चला प्रीहिस्ट्री के बारे में,
और तब कैसे, तब के लोग कैसे जिंदगी गुजारते थे, उनके बारे में हमें कैसे पता चला। जो हमारी नॉलेज थी, जो हमें पता चला, और नॉलेज का पीरियड टोटली डिपेंड ऑन फाइंडिंग्स ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट्स। जब रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे, कोई बुक नहीं थी, कोई किताब नहीं थी जिससे हम पता कर सके कि तब के लोग कैसे थे, वो कैसे रहते थे, तब के बारे में क्या, तब क्या होता था। लेकिन जो हमारी नॉलेज है, जो हमारी हमारा इल्म है, वो कैसे हासिल हुआ? जो भी फाइंडिंग्स सोर्सेस थे आर्कियोलॉजिस्ट, जो है आर्कियोलॉजिस्ट उसे कहते हैं हिस्ट्री में, जो रिसर्च करता है हिस्ट्री के बारे में, फाइंडिंग्स करता है, उसे हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, जो उन्होंने रिसर्च की, जो उन्हें सोर्सेस मिले, खुदाई की, उन्होंने ढूंढा, जैसे आर्कियोलॉजिस्ट डग अप डीप इनटू अर्थ एंड डिस्कवर्ड द फिजिकल रिमेन्स लाइक पॉट्स, ज्वेलरी, टूल्स, बोनस, कॉइन्स एटसेट्रा। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने रिसर्च की, उन्होंने जमीन की खुदाई की, वहां से उन्हें कुछ सोर्सेस मिले, जैसे पॉट्स मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, ज्वेलरी मिली कुछ जो उस टाइम के लोग पहनते थे, टूल्स मिले जो वो यूज करते थे, बोनस, कुछ हड्डियां मिली उनकी, फॉसिल्स मिले, और कुछ कॉइन्स मिली, जिनके बारे में पढ़ के, रिसर्च करके आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने कुछ नॉलेज हासिल की कि वो लोग जो थे वो कैसे रह सकते थे। जैसे पॉट्स हमें मिले, हम पॉट्स से अंदाजा लगा सकते थे कि उस टाइम के लोग जो थे वो पॉट्स का भी इस्तेमाल करते थे, वो ज्वेलरी भी पहनते थे, ज्वेलरी में हम पता कर सकते थे मेटल की थी वो, किस मेटल की थी, गोल्ड की थी, आयरन की ज्वेलरी थी या सिल्वर की थी, कॉपर की थी, इससे भी हमें पता चलेगा वो क्या यूज करते थे। जैसे टूल्स थे, वो कौन से टूल्स यूज करते थे, स्टोन के टूल्स यूज करते थे, बोनस के टूल्स यूज करते थे या मेटल के टूल्स यूज करते थे। ऐसे ही कॉइनस की भी हमें हमें कुछ कॉइनस मिली जिसमें पता चलता था कि वहां तब का क्या सिस्टम था, खरीदारी का क्या सिस्टम था, बार्टर सिस्टम था या एक्सचेंज सिस्टम जो जिसे हम कहते हैं, या वो कॉइनस यूज करते थे एक्सचेंज के लिए जैसे हम आज इस्तेमाल करते हैं। ये सब जो हमें सोर्सेज मिले, इनसे हमें तब के बारे में पता, प्री हिस्ट्री के बारे में पता चला। उस टाइम कोई रिटन रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। सिंपल में कहीं, द टाइम फॉर विच देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स। अब जो कॉइनस है, कॉइनस मिले, जो आर्कियोलॉजिस्ट कॉइनस के बारे में पढ़ते हैं, जो कॉइनस के बारे में पढ़ने को हम न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। द स्टडी ऑफ कॉइनस इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स। उसके बाद है, विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स दे लर्नड अबाउट पास्ट। इन चीजों से आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने पास्ट के बारे में जाना, या हम कहें प्री हिस्ट्री के बारे में जाना, तब के लोग कैसे थे, वो रहते कैसे थे, वो क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते थे, एक्सचेंज कैसे करते थे, फार्मिंग करते थे, या कौन कौन से टूल्स यूज करते थे, ये सब हमें इन सोर्स से पता चला। अब जो हमारा सेकंड वाला है वो है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री हम किसे कहते हैं, जो इसका सेकंड पीरियड है। प्रोटो हिस्ट्री इज अ टाइम पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। जो प्री हिस्ट्री है और हिस्ट्री है थर्ड वाला पीरियड, उसके दरमियान का जो टाइम है, उसके बीच का जो टाइम है, उसे हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बीच का जो टाइम है, उसे हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। उस टाइम क्या थी, वेरी लेस रिटन रिकॉर्ड्स। जो प्री हिस्ट्री थी उस टाइम रिटन रिटन रिकॉर्ड थे ही नहीं। इस टाइम रिटन रिकॉर्ड है लेकिन बहुत कम है। द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द दिस पीरियड फाउंडेड बाय आर्कियोलॉजिस्ट्स बट येट टू बी डिसिफर्ड। जो इस टाइम के रिटन रिकॉर्ड्स थे, प्रोटो हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, एक तो बहुत कम थे और जो कुछ भी थे उनमें से बहुत ज्यादा रिकॉर्ड जो है वो अभी डिसिफर्ड है। डिसिफर्ड मीन्स कि रिकॉर्ड्स है लेकिन उनको कोई पढ़ नहीं पाता है, उसे हम डिसिफर्ड कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमें बहुत सारे, एक तो सोर्सेज मिले लेकिन बहुत सारे रिटन रिकॉर्ड्स भी हमें मिले, लेकिन जिनको अभी तक कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट या कोई भी इंसान पढ़ नहीं पाया। कुछ रिकॉर्ड्स उनमें से बहुत सारे वो भी है।
उसके बाद है हिस्ट्री। हिस्ट्री इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट इवेंट्स। मेनी ऑफ द दीज रिकॉर्ड्स आर फाउंड ऑन रॉक्स, मेटल्स, प्लेट्स, प्लेयर्स, कॉइन्स। जो हिस्ट्री है, एक तो प्री हिस्ट्री थी, तब रिटन रिकॉर्ड्स थे ही नहीं, और प्रोटो हिस्ट्री रिकॉर्ड्स है लेकिन बहुत कम है। जो हिस्ट्री है इसमें हमें हमारे एक सिस्टमेटिक तरीके से जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं वो मौजूद हैं। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट इवेंट, जो भी पास्ट में इवेंट्स हुए हैं इस जो इस पार्ट में, इस पीरियड के, उसमें हमें रिटन रिकॉर्ड्स मौजूद है और वो सिस्टमेटिक तरीके से, जो अच्छे तरीके से मौजूद है, जो जिनको हर कोई पढ़ पाता है। और कुछ रिकॉर्ड्स हमें हिस्ट्री में रॉक्स पे मिले, मेटल्स पे मिले, प्लेट्स पे मिले, पिलर्स पे मिले, कॉइन्स पे मिले। मतलब रॉक्स पे कुछ रिटन रिकॉर्ड लिखा हुआ था जिनको आर्कियोलॉजिस्ट ने पढ़ा, फिर मेटल प्लेट्स पे थे, पिलर्स पे थे। और एक बात मैं आपको बताता चलूं, जो रिटन रिकॉर्ड्स, जो कुछ राइटिंग्स होती है रॉक्स पे होंगी, मेटल प्लेट्स पे होंगी या पिलर्स पे होंगी, इन पे जो राइटिंग होती है इन्हें हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। जो राइटिंग्स इनमें इंग्रेव्ड होती हैं, लिखी हुई होती हैं, इनको हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। अब थोड़ा सा आपको रिकैपिटुलेट कर दूं। एक तो हमने आज पढ़ा हिस्ट्री क्या होता है, सिंपल में स्टडी ऑफ पास्ट। उसके बाद हमने पढ़ा व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम क्यों पढ़ते हैं। उसके बाद मैंने आपको कुछ टाइम पीरियड बता दी, तीन टाइम पीरियड्स हैं, एक तो प्री हिस्ट्री है, प्रोटो हिस्ट्री है और हिस्ट्री है।